आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर नेशन वन ने पारस टावर में योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें नेशन वन की टीम के साथ ही देना बैंक, बजाज कैपिटल और सुमेरु संस्थान के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं फोर्स फिटनेस के ट्रेनर्स के जरिए योग कराया गया और सभी को योग के फायदे भी गिनाए गए। फोर्स फिटनेस की तरफ से पंकज भारद्वाज, मोहिनी नेगी और टीम के अन्य सदस्यों ने योग करते हुए करो योग रहो निरोग का संदेश भी दिया। वहीं नेशन वन के MD सुशील हरेग ने इस मौके पर कहा कि योग को सभी को अपनी दिनचर्या में अपनाना चाहिए और इस तरह के आयोजन वो आगे भी करवाते रहेंगे। योग शिविर में सुमेरु ग्रुप के MD पारस जैन और मैनेजर PK मोदी भी मौजूद रहे। इस कड़ी में आज हमारे परिसर में एक योग कैंप रखा गया था, जो बहुत ही अच्छी उपलब्धि है लोगों के लिए कि लोग जाने योग के बारे में, ये योग के द्वारा अपनी जो भी तकलीफें उन्हें ख़त्म कर सके शारीरिक, और हमारे को उसमें बहुत ही मानसिक संतुष्टि मिलती है योग से। तो आज जो हुआ ये, इसमें मैं चाहती हूँ कि पूरे देहरादून वाले इसमें आगे भी ऐसी सहभागिता निभाएं और इसको निरंतर आगे बढ़ाएं। युवा वर्ग के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि वो इस समय में पैदा हुए हैं, उन्हें ये पता है कि योग क्या है। योग वैसे तो हमारा भारत का जो सांस्कृतिक देखा जाए पुराने समय में तो ये हमारा ही कल्चर है, मगर लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। मगर युवा वर्ग जो अब इससे जुड़ रहा है और लोगों को जोड़ रहा है, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो आगे के लिए भी ऐसे ही एक निरंतर कार्य करते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हम योग के लिए ही संदेश देना चाहेंगे कि जो है लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से आज की डेट में हम योग दिवस मना रहे हैं तो एक अच्छा ज़रिया है लोगों को इसकी हमारी तरफ से, और मतलब जो है योग की तरफ से निरोग रहने का एक बहुत अच्छा अवसर है। लोग जो है इसको निरंतर अपने रूटीन में लेकर आएँ, ठीक है। तो बस हम यही देना चाहेंगे। योग के बारे में हमारा यही कहना है कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज, हम एक तरीके की एक्सरसाइज ही है। लोग जिम में जाते हैं लेकिन ये एक नेचुरल तरीका है जिससे जो है लोग अपने आप को निरोग रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट।